हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आपको एक नई रेसिपी सिखाने वाली हूँ कि हमेशा हम जैसे एग रोल में वेजिटेबल्स डाल के खाते हैं, पर आज वेजिटेबल्स नहीं, आज हम मैगी के साथ कुछ बनाएंगे जो कि काफ़ी टेस्टी होता है। चलिए मैं आप लोगों को सिखाती हूँ कि बनाना कैसे। उसके लिए हमें मैगी चाहिए और थोड़ी सी कटा हुआ प्याज और थोड़ा सा कैप्सिकम और कुछ हरी मिर्च। अगर आपके पास कैप्सिकम ना है तो भी इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप उसको अवॉइड कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले हम एक पैन ले लेते हैं और उसमें थोड़ा सा तेल गरम कर लेते हैं, और जब तेल थोड़ा सा गरम हो जाए तो इस पर हम प्याज डाल लेते हैं। और हमें ना इधर प्याज और कैप्सिकम को ज़्यादा पकाना नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा ही पकाना है, थोड़ा थोड़ा ही बॉइल करना है। तो इस वजह से अभी हम प्याज डाल रहे हैं, उसको थोड़ी देर बस भुनेंगे, उसके बाद हम इसमें डाल लेंगे कैप्सिकम। चलिए हम अभी इसे थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ देते हैं, फिर ये जब थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए फिर हम इस पर हमारा जो कैप्सिकम काट के रखे हैं वो डाल लेंगे, और फिर हरी मिर्च डालेंगे। देखिए अभी अच्छे से हो गया, अभी हम इस पर कैप्सिकम डाल लेते हैं। इसको ना ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है क्योंकि ये थोड़ा ऐसे ही थोड़ा कच्चापन इस पर रहे तो अच्छा लगता है। तो कैप्सिकम के बाद मैं जो हरी मिर्च काट के रखी थी वो डाल दिया, और मैं ना यहाँ पर सिर्फ एक ही हरी मिर्च की यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैं आगे सेजवान सॉस की यूज़ करने वाली हूँ, और सेजवान सॉस जो है वो काफ़ी तीखी होती है, जिस वजह से मैं यहाँ पर सिर्फ एक ही हरी मिर्च यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास सेजवान सॉस नहीं है तो आप उसको अवॉइड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका रोल भी उतना ही टेस्टी बनेगा। अगर आप थोड़ा तीखा पसंद करते हो तो आप यहाँ पर और चाहो तो हरी मिर्च यूज़ कर सकते हो। चलिए अभी इन सब को थोड़ा सा सॉफ्ट होने के लिए छोड़ देते हैं क्योंकि कैप्सिकम डालें थोड़ा वो सॉफ्ट हो जाए। अभी कैप्सिकम वगैरह सब कुछ सॉफ्ट हो गया है तो अभी हम डाल रहे हैं इसमें मैगी और पानी। जैसे मैगी बनाते हैं ना, मैगी डाल के पानी डाल देते हैं ताकि मैगी सारा खुल जाए और फिर अच्छे से बॉयल होना स्टार्ट हो जाए। तो अभी थोड़ी देर वेट करते हैं जब तक ये थोड़ा खुल जाएगा और फिर बॉयल होने लगेगा। अभी ये खुल गया है, अभी ना हम इस पर मैगी मसाला जो नहीं आता है उस पैकेट में उसी को डाल देंगे, डाल के अच्छे से मिला लेंगे। चलिए अब हम इसको अच्छे से मिला लेते हैं और बस थोड़ी देर वेट करते हैं क्योंकि अभी इसमें थोड़ा पानी है और मैगी इतना बॉयल्ड भी नहीं हुआ है, तो मैगी थोड़ा बॉयल हो जाए और इस पे जो पानी है वो थोड़ा कम हो जाए, थोड़ा सूख जाए। चलिए तो फिर थोड़ी देर बस वेट कर लेते हैं। ये सबको ना हमें मीडियम फ्लेम में ही रख के करना है। अगर आपका मैगी अच्छे से बॉयल हो चुका है और पानी आपको जल्दी सुखाना है तो फिर आप हाई फ्लेम पे कर सकते हो। चलिए अभी थोड़ा पानी कम हो गया तो अभी हम इसमें डाल देते हैं सेजवान सॉस। यहाँ पर मैं सेजवान सॉस एक चम्मच ली हूँ, और फिर डाल देते हैं इसमें टमाटो सॉस। और फिर इन सबको अच्छे से मिला लेंगे, थोड़े से टमाटो सॉस, थोड़े से सेजवान सॉस। फिर अभी इसको अच्छे से मिला लेते हैं और बस थोड़ी देर वेट करेंगे जो बचा कुचा पानी है वो थोड़ा सूख जाए। इसको आप मीडियम फ्लेम या फिर हाई फ्लेम पे रख के कर सकते हो, जैसे कि आपका जो मैगी है वो जले ना और पानी जल्दी ही सूख जाए। देखिए ये अच्छे से अभी पानी सूखने वाला है, बॉयल हो रहा है, अभी अच्छे से हो गया है। ज़्यादा सूखा नहीं बनाना है वरना अच्छा नहीं लगता है, पूरा सूखा सूखा लगेगा हमारा रोल। तो इस वजह से ऐसे ही थोड़ा बस गीलापन रहे, जूसी जूसी रहे, फिर हम ऐसे ही रखते हैं। चलिए हमारा स्टॉपिंग तो रेडी हो गया, अब हम क्या बनाते हैं एग रोल बनाने के लिए। पहले हम क्या करते हैं, 2 चम्मच मैदा ले लेते हैं और फिर उसमें थोड़ा सा नमक, फिर पानी ऐड करके उसको एक डो बना लेते हैं। हमारा डो बन के रेडी हो गए, अभी हम इसको अच्छे से बेल लेते हैं, चपाती साइज़ का बना लेते हैं। देखिए हमारा चपाती अभी रेडी हो गया है, अभी पैन थोड़ा
गर्म कर लेते हैं, जिस पे हमें रोटी बनाना होता है वही पैन हमें यूज़ करना है। और यहाँ पर देखिए कैसे हो रहा है, अभी फूल रहा है, रोटी बन जाएगी अभी, मैदा वाली रोटी। अभी ये हो गई है, अभी हम इस पे अंडा ऐड कर लेते हैं। आपको क्या करना है ना, सिंपली एक अंडा को तोड़ के ऐसे ही, मतलब एक अंडा को तोड़ के ना उसके ऊपर डालना है। एक साइड, ये एक साइड है, मैं दो साइड पे यूज़ की हूँ। आपको ऐसे इसके ऊपर डालना है, डालने के बाद इस पे थोड़ा सा नमक स्प्रिंकल करना है। और फिर इसको टर्न करके अच्छे से दोनों तरफ से, जैसे थोड़ा एक जो है वो बॉयल हो जाए, उसका स्मेल चला जाए, तब तक के लिए थोड़ा सा पकाएंगे। फिर ला के उसको ऐसे प्लेट पे रखना है, और इसके ऊपर ना बीच में से ही, मैं यहाँ पर दो टो बनाई हूँ, बीच में से ही ऐसे करके जो हम बनाए हैं स्टॉपिंग, मैगी स्टॉपिंग, उसको रख देंगे। और फिर इसको हम रोल कर लेंगे। मेरा दोनों रोल रेडी हो गया है। इसको ऐसे रोल करके ना ऐसे नीचे से टिश्यू पेपर से हमें उसको रैप कर लेना है, जैसे कि कोई ऐसे रैप कर लेना है जैसे कि नीचे से कोई पकड़ के खा सकता है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। शेयर भी अगर ना करें तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब जरूरी कर दीजिए। एंड ये सच में बहुत ही टेस्टी लगता है। मैं खाने के बाद ये वीडियो एडिट कर रही हूँ और सच बोल रही हूँ, ये काफ़ी टेस्टी था। आप लोग ट्राई करिए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपका भी इतना टेस्टी बना या नहीं। थैंक यू।